गुजरात के वडोदरा शहर में बारिश के साथ ही बड़े विशाल गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं और दुर्घटना का सबब बनते हैं। आज ऐसे ही विशाल गड्ढे का शिकार हुई एक प्राइवेट बस। समारोह पर स्थित लक्ष्मी कुंज सोसाइटी के पास एक विशाल गड्ढे में प्राइवेट बस फंस गई, जिसको निकालने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ी। क्रेन द्वारा बस तो निकाल ली गई, लेकिन कुछ देर बाद क्रेन ही फंस गई। एक और कॉरपोरेशन द्वारा करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, जनता से रोड टैक्स भी वसूला जाता है, लेकिन आम नागरिकों के लिए ये सड़कें किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। घर सही सलामत वापस आ जाना यही गनीमत है। बस निकाल रही थी, बस निकाल के बाद साइड में खड़ा किया, सड़क दोबारा बैठ गया, क्रेन फंस गया। अब दूसरी क्रेन आएगी तो भी इसको निकाल के जाएंगे। अब ये मालूम नहीं, हमें तो अभी आके निकाल के हटे बस नहीं, हमें तो कुछ नहीं, हमें तो कॉर्पोरेशन बुलाते, ये बुलाएंगे जिसकी बस फंसी। हमारे पास तो फोन आया भाई बस निकालो, मालिक ने बोला बस निकालो, तो प्राइवेट और क्रेन भी प्राइवेट है। हमारो समा विस्तार समा गाँव पास रोड है, जूनो समा रोड, त्या थोड़ा समय पहला एक ड्रेनेज लाइन नाखवायेली नाखवामां आवेली, तो ये वरसाद छेल्ला बे त्रण दिवसथी सतत पड़वाना लीधे ए लाइन थोड़ी बेसी गयेली। अहींथी एक प्राइवेट बस जती हती, ए बस ए जग्या आवा ए जग्या उपर ज फसाई गयेली, एने क्रेन द्वारा काढ़ी देवामां आवी छे। अने जे कई नाना मोटा भूवा पड़िया छे ए अधिकारीओ तो ध्यान दौरतानी साथे तात्कालिक ए कामगीरी थई रही छे।